अभी नेक्स्ट मेल्स के लिए भी बैचेस स्टार्ट करूंगी। कॉल्स नहीं आते थे, फालतू के लोगों के कॉल्स। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरे तो पूरे हाथों की हालत ख़राब हो रखी है, हर जगह कट लगा है। मैंने जगह बीच में आ गया था। ओके, तो वैसे मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, ये तो सबको पता ही है। मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो पोस्ट किया था और मैंने शेयर भी किया था उसका लिंक। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा हो, और जिन्होंने नहीं देखा हो उस वीडियो को भी देख लेना। और मैं ये सोच रही थी कि मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो मैंने बस ऐसे ही स्टार्ट कर लिया था, लेकिन अभी मुझे अब जब मैं स्टार्ट कर ही लिया है तो मुझे लगता है कि कुछ नया दूँ। तो क्या होता है ना कि डेली घर पे जब एक हाउस वाइफ या फिर एक वर्किंग वूमेन या फिर कोई बाहर जाने वाला जो भी है, जो फुल डेडिकेशन के साथ इस काम पे नहीं जुड़ा है, तो एक प्रॉपर नहीं हो पाता है कि हम नया नया कंटेंट लाएं, नई जगह दिखाएं या फिर नया कुछ ना कुछ न्यू करें जिससे कि ऑडियंस बोर ना हो। लोगों को यही लगता होगा कि रोज़ रोज़ मुझे क्या इसके घर के कामों से क्या मतलब है। पर वैसे डेली ब्लॉग ऐसे ही होते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए लाइफ अच्छी होती है, मतलब कुछ ना कुछ न्यू इंटरेस्टिंग हो ही जाता है पर डे। अब मुझे तो पता है मुझे रोज़ उठना है, क्लास लेनी है, ये है वो है। इसके वजह से कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं चलो स्किप कर लूँ, कंटिन्यू मैं अपने वीडियोज़ अपलोड ना करूँ, कि जिसकी वजह से आप लोग भी बोर ना हो और जब लगे कि हाँ कर लो भी। आज एक होता है ना कि जब थोड़ा से लोगों को आदत हो जाती है किसी चीज़ की, तो फिर वो चाहते हैं कि रोज़ देखें। जब मेरी कंडीशन ऐसी होगी, लोगों को आदत लग जाएगी मेरे वीडियो को, या फिर उनको देखना पसंद आएगा मेरे वीडियो, और अगर ऐसा रहेगा कि बोले मेरे से कि तुम पोस्ट क्या करो, तो मैं ट्राई करूँगी कि उस टाइम पे मैं अपने डेली के रोज़ के ब्लॉग को अपलोड करूँ। और मैं ट्राई करूँगी कि बाद में मैं कुछ इंटरेस्टिंग करूँ, जब मैं अपना सारे योगा से अभी जो कुछ अभी चल रहा है उन सबसे फ्री होके कुछ इंटरेस्टिंग करूं। बट मैं कल ऐसे बोल रही थी कि अभी मैं क्या इंटरेस्टिंग कर सकती हूँ। मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी कि बेटा जब हम लोग फ्री हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कि कभी कभी उत्तराखंडी सॉन्ग में ना डांस वांस के वीडियोस भी अपलोड करेंगे। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तू ना अभी अपने करियर पर ध्यान दे, मीन्स कि अभी जस्ट योगा तूने स्टार्ट किया है वहाँ पर वो मत कर। तो फिर मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दो चीज़ें एक साथ लेके जाने की सोच रही हूँ, तो कोई चीज़ मेरे से पीछे ना रह जाए। या तो मतलब मैं बेसिकली ये सोचूंगी मैंने योगा पे फोकस किया तो मेरा योगा ना छूट जाए इन यूट्यूब वीडियोस की वजह से। अगर ऐसा पॉसिबल होगा कि मैं अपने योगा के साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल को भी ग्रो कर पाऊँ, या फिर यूट्यूब में भी अपने अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छा थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ आ पाऊँ, या फिर अपने वीडियोज़ पोस्ट कर पाऊँ, मैं कोशिश पूरी करूँगी। पर मेरे भी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा योगा ही है। तो मैं ट्राई करूँगी अभी इस समय भी कि मैं लाइव आऊँ और अपने योगा के बारे में लाइव बताऊं, या फिर रिकॉर्डेड वीडियोस लाएं योगा के बारे में। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जितनी मुझे अभी पता है, या फिर जितनी मुझे आके चल के पता चलेंगी और भी नई नई इंटरेस्टिंग चलेगा, तो मैं उसके शॉर्ट वीडियोस बना के वो भी अपलोड करूँगी और लाइव आऊँगी, आने की कोशिश करूँगी। तो लाइव का ऑप्शन देखूँगी। और अभी तो मैं अपने अभी यही है कि मैं फर्स्ट फोकस अपने योगा में रखूँगी, अपने क्लासेस पे रखूँगी, और ट्राई करूँगी कि मैं अपनी क्लासेस को थोड़ा सा ग्रो करूँ। अभी मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती, जो स्टूडेंट हैं मीन्स कि उनको तो टाइम देती हूँ जो हैं, लेकिन मैं अभी नए स्टूडेंट या फिर नए बैचेस स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। और मेन एक और अनाउंसमेंट करना था मुझे इसी वीडियो के थ्रू, कि मैं अभी नेक्स्ट मेल्स के लिए भी बैचेस स्टार्ट करूँगी। अभी मैं सिर्फ लेडीज़ को सिखाती हूँ, फिर उनका एक सेपरेट बीच में मैंने ट्राई किया था कि मिक्स बैच करूँ, उसमें कभी जेंट्स कम्फर्टेबल नहीं होते, कभी लेडीज़ कम्फर्टेबल नहीं होती है। बट मैं कम्फर्टेबल हूँ कि मैं दोनों को सिखा पाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली जिनसे मैंने सीखा है वो हमने सर से ही सीखा है। अगर वो हमें सिखाने के लिए कंफर्टेबल हो सकते हैं, तो हम भी जेंट्स को सिखाने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं उनके पर्सनल बैचेस स्टार्ट करने की सोच रही हूँ नेक्स्ट अक्टूबर नहीं तो नवंबर में, अगर एक्चुअली मुझे उत्तराखंड ना जाना पड़े तो। यही मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, मैं एक एज ए योगा टीचर भी हूँ। अगर किसी को कोई भी योगा से रिलेटेड कुछ नॉर्मली पूछना भी, ऐसा नहीं कि मेरी क्लासेस ही ज्वाइन करो, मैं ये नहीं कह रही। अगर आपको कोई अपने डाउट्स या फिर किसी बीमारी के बारे में, बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, जॉइंट्स पेन, मसल्स स्ट्रेचिंग, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लो बीपी है, इस टाइप के भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है,
तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं एज ए यूट्यूब में कॉमेंट्स करके यूट्यूब के वीडियोज़ पर या फिर मेरे व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप के लिए आपको मेरे फेसबुक पे डीएम करना, तो आप कर सकते हैं बस योगा से रिलेटेड गप्पे मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक 6 मिनट तक आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और मैं चाहूँगी कि आप सुने मुझे और मेरी इस बात को समझें कि मैं अभी समझ ही जाएंगे ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैं इतनी फेमस तो हूँ नहीं और मेरे दीदार में तो बैठे हैं नहीं लोग कि आज वीडियो नहीं आया। और अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग आता है मेरी लाइफ में, मैं कहीं बाहर जाती हूँ या फिर कोई मेरे घर पे आता है या फिर मैं कुछ नया करती हूँ, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये लंबा हो गया वीडियो। थैंक यू सो मच।